भड़की कंगना ने अमिताभ बच्चन को कहा बॉलीवुड माफिया गैंग्स पूछा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कैसे हो। कंगना रनौत ने खुद से टकराने वालों को किसी सूरत नहीं बख्शती हैं। अब तो कंगना के निशाने पर अमिताभ बच्चन भी आ गए हैं। उन्हें लगे हाथ बिग बी पर भी कड़े शब्दों में प्रहार किया। कारण है कि उनकी फिल्म गणपत की रिलीज डेट, जिसके कंगना की इमरजेंसी के साथ क्लेश की पूरी उम्मीद है। अब कंगना की फिल्म से कोई फिल्म टकरा रही हो तो पंगा गर्ल चुप कैसे रह सकती है। हाल ही में ट्विटर पर वापस आई कंगना रनौत ने अपने लेटेस्ट ट्वीट्स में टाइगर श्रॉफ, अमिताभ बच्चन और कृति सेन स्टारर गणपत पर हमला किया, जो 20 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्म इमरजेंसी से टकरा रही है। कुछ समय पहले ही कंगना ने ऐलान किया कि वो जल्द ही अपनी फिल्म इमरजेंसी की रिलीज डेट की घोषणा करेंगी। कंगना ने ट्विस्ट की एक सीरीज में भी ये बताया कि उनकी फिल्म के मेकर्स इसे 20 अक्टूबर को रिलीज करने का मन बना रहे हैं। हालांकि बाद में सितंबर, नवंबर और दिसंबर में फ्री होने के बावजूद गणपत निर्माताओं ने फिल्म को उसी दिन रिलीज करने का फैसला किया है। कंगना को इसी बात पर गुस्सा आ गया और उन्हें गणपत स्टार अमिताभ बच्चन और टाइगर श्रॉफ पर अपनी सारी भड़ास निकाल दी। एक्ट्रेस ने लिखा, जब मैं इमरजेंसी रिलीज के लिए डेट की तलाश कर रही थी तो मैंने देखा कि इस साल मूवी कैलेंडर काफी फ्री है। साथ हिंदी इंडस्ट्री को मिल रहे झटकों की वजह से मेरे पोस्ट प्रोडक्शन टाइमलाइन के आधार पर मैंने 20 अक्टूबर को लॉक कर दिया है। अपने एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि 20 अक्टूबर को अपनी फिल्म की घोषणा की, पूरा अक्टूबर फ्री है इसलिए नवंबर, दिसंबर और सितंबर भी है। लेकिन आज श्री अमिताभ बच्चन और टाइगर श्रॉफ ने 20 अक्टूबर को अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म की घोषणा की। हाँ, लगता है कि पैनिक मीटिंग हो रही है बॉलीवुड माफिया गैंग्स में। उन्होंने कहा, अब इमरजेंसी की रिलीज डेट में ट्रेलर के साथ एक महीने पहले ही अनाउंस कर दूंगी। जब सारा साल फ्री है तो क्लेश की जरूरत क्यों है भाई। ये बुरा हाल है इंडस्ट्री का, फिर भी इतनी दुर्बुद्धि क्यों खाते हो यार। तुम सब इतने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कैसे हो।